आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा। शिक्षा की गुणवत्ता व विशेष ध्यान दिए जाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। शिक्षा के विकास और छात्रों के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। प्रदेश में कक्षा 9 और 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को भी अगले वर्ष से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी पाठ्य पुस्तकें। अध्यापकों के स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए महानिदेशक शिक्षा के अधीन सेल का होगा गठन। छात्रों को अंग्रेजी एवं कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में अंग्रेजी एवं कंप्यूटर के गेस्ट टीचरों की जाएगी व्यवस्था। राजकीय विद्यालय के कक्षा 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति। सभी अधिकारी माह में एक दिन किसी स्कूल में स्वेच्छा से पढ़ाएंगे बच्चों को। प्रधानाचार्यों की रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी। शिक्षा विभाग को और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ हम लोगों ने जो घोषणाएं शिक्षा विभाग से संबंधित की है, हमारे नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए जो जरूरी है, उन सब पर हम लोग आज मंथन करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।